हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 3 जुलाई को इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रिलीज करके मई 2020 एग्जामिनेशन साइकिल को कैंसिल कर दिया और उसको नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल से मर्ज कर दिया। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन को पहले 2 बार पोस्टपोन किया और उसके बाद उन्होंने ऑप्ट आउट स्कीम रिलीज़ करी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम फर्स्ट वीक में गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस, एडवाइजरी और उस टाइम सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि हमें एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है कि नहीं। अब काफ़ी सारे सीएस स्टूडेंट्स सोच रहे कि इसका इम्पैक्ट हमारे एग्ज़ाम्स में भी पड़ेगा। सो ऑब्वियसली अगर आपके टाइम में भी सिचुएशन फीजिबल नहीं रहेंगी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए, गवर्नमेंट के MHA के अप्रूवल, स्टेट वाइज अप्रूवल्स आपके इंस्टीट्यूट को नहीं मिल पाएंगी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए, सो ऑब्वियस सी बात है आपके भी एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे कि इंस्टीट्यूट ये डिसीज़न पहले भी ले सकता था, फर्दर जब उन्होंने फर्दर पोस्टपोन करा था सेकेंड टाइम। सो आपको पता ही होगा कि ICAI ने भी 2 बार एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करा, उसके बाद बाकी इंस्टीट्यूट्स ने भी सेम ही प्रोसीजर फॉलो करते हुए दो बार कैपेसिटी में कह सकता हूँ कि उनके पास दो बार एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करने की कैपेसिटी थी, जो कि अब सभी इंस्टीट्यूट यूटिलाइज कर चुके हैं। सो अगर आपके अगर एग्ज़ाम्स अगस्त तक आते आते पॉसिबल नहीं होते एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने, सो आपके भी जो एग्ज़ामिनेशन है वो पोस्टपोन होने की जगह सीधा कैंसिल हो जाएंगे और वो दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन के साथ मर्ज हो जाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछेंगे कि एग्ज़ाम्स फर्दर पोस्टपोन क्यों नहीं होंगे, तो इंस्टीट्यूट ने जब सेकेंड टाइम एग्जामिनेशन को फर्दर पोस्टपोन किया था तो उन्होंने ऑप्ट आउट स्कीम भी रिलीज़ करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो स्टूडेंट्स अगस्त में एग्जामिनेशन नहीं देना चाहता तो वो अपने आप को दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल में शिफ्ट कर सकता है। सो इसमें कोई सेंस नहीं बनता कि एग्ज़ाम जिन्होंने ऑप्ट इन कर रखा है उनको वो अक्टूबर में फर्दर पोस्टपोन कर देगी, अब डायरेक्ट इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन को आपके कैंसिल ही करेगा। हाँ, अगर सिचुएशन आपके टाइम आते आते अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है, MHA की अप्रूवल भी है, स्टेट वाइज अप्रूवल भी, तो एग्जामिनेशन पॉसिबल भी है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अननेसेसरली कन्फ्यूजन और अपने माइंड में एंग्जाइटी मत क्रिएट करना कि इंस्टीट्यूट सिचुएशन फिजिबल नहीं है कंडक्ट करवाने के लिए एग्ज़ाम्स को और आपका इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएगा। वो जो भी डिसीजन लेगा आपके हेल्थ और वेलबींग को ध्यान में रखते ही लेगा, बस आप अपने आप स्टडीज़ में ही फोकस रखिए। और जब भी अनाउंसमेंट आएगी तो मैं और कोई और आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टी उसको अपडेट कर ही देंगे। होप करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।